अदरक जैसी दिखने वाली ये गांठ, सदियों पुराना ये नुस्खा है जो कि हमारे वैद्य जी बताते हैं, लाखों में से कोई एक व्यक्ति ही इसको जानता है। ये नुस्खा कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे साथ खानदानी वैद्य जी हैं, वो आपको बताएंगे। वैद्य जी रेत ये कहाँ? रेत रेत लेके आना, ये वैद्य जी पक रेत। हाँ जी वैद्य जी, हाँ जी, ऐसा है, आपकी डिमांड के ऊपर जो हम बताने जा रहे हैं, ये ऐसा वो है, आपकी डिमांड जो आ रही थी कि हमने डॉक्टरों को दिखाया है, एक्सरे भी कराया है, कुछ कराया, हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो ये जगह है इस पे दर्द रहता है गोड्डे के अंदर, ये दर्द नी के अंदर रहता है, तो इसका मतलब क्या किया जाए हल? या हमारे कोहनियों में दर्द रहता है और लेकिन आता कुछ नहीं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं ना तो हड्डी बड़ी बताते हैं ना घिसी बताते हैं ना कुछ है, क्या है ये? कुछ समझ नहीं आता, अंदाजे से कह देते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई है या ऐसा ही कुछ बता के, और वो गोलियां दे देते हैं, जितना टाइम गोलियां खाते हैं तो ठीक रहते हैं, गोलियों का असर खत्म होते ही फिर वही प्रॉब्लम हल हो जाती है। देखिए आज जो मैं नुक्ता ये बताने जा रहा हूँ आपका, आपको हमारे बुजुर्गों का खास नुक्ता है, क्या है कि ये आपके सामने जो है ये अम्बा हल्दी है, ये थोड़ी कच्ची है, वैसे पक्के ये जो है अलग। इसका देखिए अम्बा हल्दी की पहचान, अम्बा हल्दी जब पीस जाती है तो इसका रंग ये हो जाता है, और जो सिंपल हल्दी होती है उसका रंग ऐसा होता है, ये सिंपल हल्दी है और ये अम्बा हल्दी है। अम्बा हल्दी सिंपल हल्दी से ज़्यादा गर्म होती है, देखिए। और इसके साथ हमने ये चीज़ जो ली है, ये क्या चीज़ है? हमारे हमारे टाइम में, आजकल के बच्चे तो नहीं, हमारे टाइम में तख्ती इससे पोतते थे और उसके ऊपर हम लिखते थे। इसको हमने क्या किया है, इसको लेके हमने इस प्रकार से तोड़ लिया है, तोड़ के बारीक, और मिक्सी में डाल के इसको पीस लिया है, इसको ऐसे तोड़ के धीरे छोट बारीक करके इस कपड़े के ऊपर, और इसके बाद हमने मिक्सी में डाल के इसको पीस लिया है इस प्रकार से, देखिए, और इसको पीस के और तब हमने इसका प्रयोग किया है, देखिए पीस गई है हमारी, ये जो है, रेत लेके आओ, यहाँ से लेके आओ रेत, ये यहाँ जो है पर आओ। हमारी गाचनी मिट्टी है, इसको गाचनी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं। देखिए हमें इस चीज के लिए क्या चाहिए, मुल्तानी मिट्टी चाहिए और ये अम्बा हल्दी चाहिए। तीसरी चीज हमें चाहिए इसके अंदर जो खास जरूरी है, हमें चाहिए रेत। अगर समुंदर की रेत मिलती है तो वो इसमें खास काम करती है, अगर समुंदर की रेत ना मिले, जैसी भी रेत मिले उसका आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और चौथी चीज हमारे पास जो है ये तेल है, ये तेल तिलों का तेल है, तिलों का तेल ओरिजिनल होना चाहिए तभी ये काम करते हैं और बनाते हैं। इसके लिए हम कैसे और क्या करते हैं ये आप ध्यान से देखिए, हमारे पास रेत आ गई है, ये हमने क्या करना है, ये रेत हमने अंदाजे से रेत इसके अंदर डाल लेनी है, और हमने ये आग जला ली है, आग जला के इसके अंदर ये रेत डाल ली है, रेत डाल ली, रेत डालने के बाद जितनी जगह पे आपने बांधना है उस हिसाब से आप इसका वो बना सकते हैं। इसको जो है रेत हमने जो डाल ली है लगभग 50 से 100 ग्राम के करीब, और इसके साथ हमने क्या, इसको गर्म कर लेना है, गर्म करने के साथ साथ हमने जितनी रेत डाली थी उससे आधी हमने इसके अंदर ये मुल्तानी मिट्टी या गाचनी मिट्टी जो है पीसी वो डाल लेनी है, इसको गर्म कर लेना है अच्छी तरह से। गर्म करने के साथ साथ 100 ग्राम मान लो हमने रेत डाली और उसमें 50 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डाली, तो लगभग 10 ग्राम या 15 ग्राम, मतलब रेत का 10वां हिस्सा या मतलब थोड़ी उससे ज़्यादा 5वां 6ठा हिस्सा, या थोड़ी कम ज़्यादा भी डल जाए तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना अंतर नहीं है। हम ये डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, गर्म करने के बाद इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर ये पानी भी डाल सकते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अगर पानी नहीं डालते तो ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो सकती। इसका हलवा टाइप सा बना लेना, अब ये हलवा टाइप सा हमारा बन जाएगा। ये हलवा टाइप बनने के बाद हमने इसमें क्या करना है, 100 ग्राम के अंदर ये हमने जितनी मात्रा बताई है
आप अपने अंदाजे से डाल सकते हो, थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं पड़ता। अच्छी तरह से ये पानी उतना डालना है जिसके अंदर ये हलवा टाइप बन जाए। अगर आपसे ज़्यादा डल जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा इसको सुखा लो पानी को। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा ये पानी जो है ये थोड़ा ज़्यादा है, एक मिनट में ही सूख जाता है। सूखने के बाद हमने इसके अंदर क्या करना है, अंदाजे से हमने तिल का तेल है, ये तिल का तेल भी इसके अंदर 2 चम्मच लगभग, ये 2 चम्मच डाल देंगे। और 2 चम्मच डाल के इसको फिर अच्छी तरह से जो है चला लेंगे और इस पानी को जो है सुखा देंगे। और जब यह पानी सूख जाएगा और खाली तिल का तेल ही रह जाएगा इसके अंदर, तब हमने इसका क्या करना है, इसका जो है ये देखिए हमारा ये पानी अभी सूख रहा है, 2 मिनट में अभी पानी सूख जाएगा। पानी सूखने के बाद हमने इसका जो किस प्रकार वो करना है, देखिए खास हल्दी का ध्यान देना है, हल्दी का ये रंग होता है और सिंपल हल्दी का जो है ऐसा रंग होता है, ये खास ध्यान देना है। आपको कभी कोई सिंपल हल्दी अम्बा हल्दी करके ना दे दे, अम्बा हल्दी खास काम आती है इसकी, सबको पता है। और ये हमारी तैयार है रेप, ये तैयार होने के बाद अच्छी तरह मिला ले। यह अभी हमारा तेल तेल ही रह गया है और पानी सब सूख चुका है। अभी इसका क्या करना है, हमने ये इसी कप थोड़ी रुई लेके, जिसको आप अपने एरिया में इसको क्या बोलते हैं, कपास भी बोल सकते हैं, कुछ भी इसको कर सकते हैं, इसको लेके, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, पानी जैसी थोड़ी गर्म होनी चाहिए, लेकिन इतनी गर्म ना हो जो जला दे, बिल्कुल ठीक ठीक हो, ताकि वो जो है इसको हम कहीं जले नहीं जगह। और इसको हम जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे रख के ऊपर से ये पट्टी बांध देनी है। देखिए ये पट्टी बांध रहे हैं, जहाँ पे दर्द हो, गर्म देख लेना गर्म ना लगे, और इसको ये रख के ऊपर से पट्टी बांध देंगे। पट्टी बांध के इसको छोड़ देंगे, पट्टी बांध के इसको छोड़ देंगे, रात भर बंधा रहे कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर अम्बा हल्दी बहुत ज़्यादा डल गई है तो फिर आप 3-4 घंटे बाद खोल दें, नहीं तो रात भर ये बंध ही रहे। सुबह जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि दर्दों में बहुत फर्क पड़ गया है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है, डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्ट हवा पंखे की या कोई भी डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, इसके ऊपर कपड़ा डला रहना चाहिए। सर्दियाँ तो रजाई वगैरह कंबल वगैरह डाल लें, और गर्मियों में भी और सर्दियों में भी किसी मौसम में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़े दिन प्रयोग कर लेते हैं, कोई दिनों की ऐसा कोई महीने 2 महीने की जरूरत नहीं होती, 5-4 बार ही प्रयोग करने से आपको बहुत फर्क मिलेगा। और थोड़े दिन प्रयोग करने के लिए आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो हमारे करनाल प्लस में आप कमेंट करके और अपना हमारे करनाल प्लस को शेयर करें, लाइक करें व फोन करें।